हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल एंड दिस इज अर्चा दोन फॉर योर हेल्प। जी हाँ दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के ज्योग्राफी के ब्रिलियंट मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 किन्हें मिलता है, मतलब ये कह रहा है कि किन किन रोडों को मिलता है, कहाँ कहाँ से मतलब मिलता है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आगरा से मुंबई को मतलब ये करता है, चेन्नई को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से, या मतलब यहाँ क्या है, मुंबई को कोलकाता से। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक का जो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक का ए आंसर करेक्ट आंसर है, कौ, यानी कौ एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है कि अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन ऑप्शन में दिया क्या औद्योगिक के लिए, या धार्मिक के लिए, या शैक्षणिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दो का जो ऑप्शन नंबर होगा, तो दो का जो इसका करेक्ट आंसर है बी ए करेक्ट आंसर, यानी कि धार्मिक के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दो है, ख है। यानी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है कि भूटिया जनजाति का संबंध किससे है, तमिलनाडु से, या मध्य प्रदेश से, या कर्नाटक से, या उत्तराखंड से। तो आपको इसका तीन का जो इसका करेक्ट आंसर मिलेंगे तो डी मिलेंगे। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि उत्तराखंड से मतलब जनजाति संबंध रखता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। क्या है कि मैकिस्को में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डेस कहते हैं, यानी कि मैकिस्को का मतलब एक ये है सारा जो वहाँ की कृषि को मतलब क्या कहता है, स्थानांतरित कृषि यानी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों से मतलब पुकारा जाता है। तो चाव तो वहाँ जो मेक्सिको में जो क्या पुकारा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोका दिया हुआ है, या मिल्पा दिया हुआ है, या लादांग दिया हुआ है, झूम दिया हुआ है। तो यहाँ इसका चार का जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा तो बीस, यानी कि चार का करेक्ट आंसर होगा कौन सा, मिल्पा, यानी मिल्पा के नाम से यानी जाना जाता है, ठीक है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात डेस है, मतलब यानी कि खाली स्थान को भरना है आपको। यहाँ पहला क्या दिया है, 893 है, 925 है, 916 है, 947 है। तो इसका जो पांच का जो करेक्ट आंसर आपका होगा तो सी यानी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 916 पर मतलब 1000 में 916 ये लड़की का मतलब ये होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ लिंग अनुपात कितना निकलता है, 916, यानी कि गो आंसर। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठा कि गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, उसने यानी उसने दिया हुआ है, उसने अर्ध दिया हुआ है, शीतोष्ण दिया हुआ है, उसने शुष्क दिया हुआ है। तो इसका छः का जो यानी करेक्ट आंसर होगा आपका, छः का सी एकदम करेक्ट आंसर, यानी सी करेक्ट आंसर। तो यहाँ शीतोष्ण शीतोष्ण। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है आपका लोहा दिया हुआ है, अभड़क दिया हुआ है, बॉक्साइट दिया हुआ है, तांबा दिया हुआ है। तो सात का जो आपको ऑप्शन चुनना है तो सात का बी एकदम करेक्ट आंसर, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ, अभड़क, अभड़क करेक्ट आंसर इसका। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है कि आठवां क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, चेन्नई दिया हुआ है, हल्दिया दिया हुआ है, पारादीप दिया हुआ है, तो कोचिच दिया हुआ है। तो इसका जो आठ का जो आपका करेक्ट यानी आंसर होगा तो डी यानी कोचिच में, मतलब डी यानी करेक्ट आंसर, यानी घो करेक्ट आंसर है इसका। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं क्या। पहला में दिया हुआ है प्रेरिज दिया हुआ है, पंपास बोला जाता है, या डाउंस बोला जाता है, स्टेपीज बोला है। तो इसका जो नौ का जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, नौ का सी यानी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, डाउंस, मतलब डाउंस पुकारा जाता है, वहाँ बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, शीतोष्ण घास क्षेत्र को कहलाता है क्या, मतलब तो डाउंस कहलाता है, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है कि परिस्थितिक तंत्र के दो संगठक होते हैं जो डेस कहलाते हैं, मतलब जो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पशु वो पादप कहलाते हैं, या वृक्ष वो खरपतवार कहलाते हैं, या मेंढक वो मानव, या अजीब व जीव। तो आपका जो 10 का जो यानी करेक्ट आंसर होगा, आपका 10 का जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी अजीब व जीव कहलाता है, ठीक है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। तो यहाँ जो 11वां का जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था। तो यहाँ जो है, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया, भूगोल का जर्मन संप्रदाय, या भूगोल का रासायनिक संप्रदाय, या भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय, या भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो इसका जो 11वां का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी गो यानी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। तो जो है दोस्त, अगर किसी प्रकार की अभी अगर त्रुटि या गलतियाँ हों तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड्स को भी अच्छे से अच्छे बेटर लाभ मिले। तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। तो क्या है कि इसमें निम्नलिखित देशों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। तो यहाँ जो कहने का मतलब इसका क्या है कि निम्नलिखित देशों में इन चारों देशों में सबसे अधिक मतलब कहाँ जनसंख्या मतलब घनत्व सबसे अधिक पाया जाता। तो यहाँ पहला ऑप्शन बांग्लादेश दिया हुआ है, तो बांग्लादेश यानी करेक्ट आंसर इसका, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तारित और शिखर संकीर्ण होता है? तो यह पहला विकसित देश में, या विकासशील देश में, या अल्प विकसित देश में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो 13 का जो आपका यहाँ क्या कह रहा है कि जो होता है सबसे अधिक मतलब किस में होता है, तो यहाँ जो आपका विकासशील यानी विकासशील देश में सबसे अधिक यानी होता है क्या, आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तारित शिखर संकीर्ण होता है। तो यहाँ विकसित हो गया आपका जैसे अमेरिका हो गया, और विकासशील तो मेरा भारत देश, जैसे इस तरह के देशों में आपका क्या होगा, संकीर्ण शिखर संकीर्ण होता है। ठीक है, उसका लिंग आयु लिंग का, तो उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जन्म दर उच्च होता है, या जन्म दर निम्न होता है, या मृत्यु दर उच्च होता है, या मृत्यु दर निम्न होता है। तो यहाँ इसका जो कहने का मतलब क्या है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ मतलब जन्म दर उच्च होता है, या जन्म दर निम्न होता है, या मृत्यु दर उच्च होता है, या मृत्यु दर निम्न होता है। तो यहाँ जो इसका 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ये क्या होगा, डी यानी का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा कि मृत्यु दर निम्न है, जहाँ मृत्यु दर निम्न में होगा वहाँ का मतलब आकार होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ इसका घ यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 15वां क्वेश्चन, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है? लो क्वेश्चन दोस्त कितना ईजी है, विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप से आएंगे। आपका प्राथमिक क्रिया कृषि जैसे कृषि क्षेत्र में आपका हो गया मछली पालना, ये सभी आपका क्या प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। ये द्वितीय क्रियाकलाप जैसे विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप में आएंगे। तो ये इसका ख यानी करेक्ट आंसर, 15 का ख यानी करेक्ट आंसर है। आपका तो तृतीय क्रियाकलाप में होगा ही नहीं, चौथा में तो होगा ही नहीं। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है 16वां क्वेश्चन, क्या है इसमें 16वां क्वेश्चन जो आपका है, तो यहाँ आपका 16वां क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में मतलब महादेश में है? तो यहाँ उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, यूरोप में दिया हुआ है, अफ्रीका में दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में दिया हुआ। तो ये जो 16 का जो फिर हम दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में होता है, मतलब कहने का मतलब है कि क्या कि सबसे अधिक वाहनों मतलब गाड़ियाँ मोटर गाड़ियाँ सबसे अधिक मतलब किन देशों में मतलब सबसे अधिक घनत्व में पाया जाता है। तो यहाँ 16 का आंसर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा कि ए यानी करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक वाहनों का मतलब यह मतलब ये होगा कि घनत्व सबसे अधिक होगा, तो कहाँ वो देश, क्या नाम उस देश का नाम, उत्तरी अमेरिका में। तो ये करेक्ट आंसर दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं क्योंकि ये बहुत बेटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि मराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो यहाँ पहला क्या दिया हुआ है, वेनेजुएला या ईरान या जापान या कनाडा। तो इसका 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी, तो क्या होगा 17 का करेक्ट आंसर आपका हो गया ए यानी करेक्ट आंसर है, वेनेजुएला करेक्ट आंसर को यानी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई थी? तो ये जो है कहने का मतलब क्या है कि एक मतलब खोजकर्ता था, क्या नाम था इसका, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। तो ये जो है 1912 में ऑस्ट्रेलिया किस नगर की योजना बनाई थी, ये जो यहाँ कहाँ का मतलब योजना पास कराया था। तो यहाँ जो है कैनबरा का दिया हुआ है ऑप्शन में, सिडनी का दिया हुआ है, मेलबर्न का दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 18 का यानी कि करेक्ट आंसर होगा तो आपका ए यानी करेक्ट आंसर होगा, तो हाँ कैनबरा यानी कि कैनबरा में ये योजना बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, 1912 में बनाया गया। तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से बेटर से रट लें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं के रोलेगन सिद्धि किस राज्य में है? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ कर्नाटक यानी महाराष्ट्र, फिर नेक्स्ट में चलते हैं क्या महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो 19 का यानी का करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा, 19 का बी यानी करेक्ट आंसर होगा। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र यानी कि इसका करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र यानी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि सेवा क्षेत्र में सम्मिलित क्या होगा, सेवा क्षेत्र, सेवा आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। प्राथमिक क्रियाकलाप ने आपको बता दिया पहले, ऊपर में आपको जो बताया प्राथमिक जैसे कृषि हो गया आपका, मछली पालन हो गया, तो ये प्राथमिक होगा। द्वितीय विनिर्माण ठीक है, मतलब गेहूं से आटा निकालना, ये भी आपका आएगा विनिर्माण में, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएंगे। तृतीय क्रियाकलाप में यानी कि सेवा क्षेत्र, जैसे सेवा क्षेत्र या सरकारी, जैसे सरकारी होगा तो वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, जैसे नौकरी आपका हो जाएगा, उसके बाद वो जो अस्पताल वगैरह आपका क्या आ जाएगा, इसमें सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसका तृतीय क्रिया सेवा जो क्षेत्र में सम्मिलित किसमें है, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। तो इसका को अंदर करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? ठीक है, तो पहला क्या बिटुमिन्स, उसका एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पिट। तो आपको पता होगा कि एंथ्रासाइट कोयला में, जो कोयला का कितना 4 प्रकार होता है, इन चारों प्रकारों में सबसे अधिक जो होता है कार्बन की मात्रा किस में पाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक जो होता है वो पिट में पाया जाता है। बट एंथ्रासाइट आपका एकदम बेस्ट कोयला हो गया, इसमें क्या किसी प्रकार की धुआं वहाँ कुछ नहीं मिलेंगे आपको,
एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है कौन, एंथ्रासाइट्स। तो यहाँ जो आपका क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन आप समझिए, भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो ठीक है, 21 का जो आपका यानी कि करेक्ट आंसर होगा, तो सबसे अधिक यानी कि किस प्रकार का मतलब यहाँ कोयला पाया जाता है भारत में, तो आपको इस मतलब बिटुमिन्स मिले जाएंगे, ठीक है, बिटुमिन्स, ठीक है। तो इसका यानी कि कोई आंसर करेक्ट आंसर होगा, तो ये मतलब इसमें क्या है, कार्बन का मात्रा कितना पाया जाता है, 60 या 80, मतलब ऐसे ही कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप आपका, तो एंथ्रासाइट में वो बहुत ही कम मिल रहा है ये होता है, और पीट में सबसे अधिक सबसे जो निम्न कोटि का होता है, तो आपका हो गया क्या, पीट हो गया सबसे निम्न कोटि का, ये चौथा नंबर में आते हैं। फर्स्ट में आपका एंथ्रासाइट हो गया, दूसरा में बिटुमिन्स हो गया, तीसरा में लिग्नाइट, चौथा में आपका पीटी हो गया। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, बिटुमिन्स उसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कि 22वां क्वेश्चन क्या है कि पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ है, पेट्रोल है, बॉक्साइट है। तो यहाँ क्या कह रहा है, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? तो यानी 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यानी 22 का सी यानी करेक्ट आंसर है, पेट्रोल जो है आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास के लिए, परिवहन विकास के लिए, परितंत्र विकास के लिए, भूमि सुधार के लिए। तो यानी कि 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो सी यानी करेक्ट आंसर होगा, परितंत्र विकास के लिए, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो रहा है दोस्त, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, 24 में वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ एयरलाइंस दिया हुआ है, इंडियंस दिया हुआ है, या एयरवेज दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 24 का जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तो बी यानी करेक्ट आंसर होगा, इसका इंडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, बिहार निम्नलिखित में से किस पतन का पृष्ठ प्रदेश है? तो यहाँ पहला मुंबई दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ है, प्रादीप दिया हुआ है, मारमा गांव दिया हुआ है। तो इसका जो आपका 25 का यानी करेक्ट आंसर होगा, तो आपका कौन सा होगा, 25 का जो करेक्ट आंसर है, बी यानी करेक्ट आंसर होगा, तो कोलकाता को जाना जाता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है 26 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 26 में क्वेश्चन, के झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 26 का जो यानी करेक्ट आंसर होगा, तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। झाबुआ जिला किस जिला में पाया जाता है, किस राज्य में, सॉरी, तो ये होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, कोई यानी करेक्ट आंसर। उसके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है इसमें क्या दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा का आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन में 1948 में हुआ था, 1954 में, 1962 में, 1950 में। तो परमाणु ऊर्जा का आयोग का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? तो यहाँ 27 का यानी कि करेक्ट आंसर ए यानी करेक्ट आंसर, 1948 में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर, 1948, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, राइन अंत स्थलीय जलमार्ग के सिरों के पतन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ जो है डेसेलडॉर्फ और बेसल है, उसके बाद फिर बेसलन और लग्जमबर्ग है, या बेसल और रोटन डैम है। तो यहाँ रोटेड डैम और लग्जमबर्ग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा 28 का, जो इसका करेक्ट आंसर यानी सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को अच्छे से मतलब समझ में आएंगे। अगर किसी प्रकार की या समझ या आपको अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट या कुछ भी लगे हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। यानी उसका अगला वीडियोज़ में नाम लिया जाएगा, ठीक है।